हरियाणा के जिले करनाल के गांव कमालपुरा निवासी 5 वर्षीय जश की हत्या की आरोपी उसकी चाची अंजलि जेल में इतनी परेशान हो गई है कि छठे दिन ही उसे कल्पना चावला मेडिकल कॉलेज में लाना पड़ा। गर्भवती होने के बाद पुलिस अंजलि का खास ख्याल रख रही है। अंजलि का बच्चा सुरक्षित रहे इसके लिए जहां पर उसका मनोरोग विशेषज्ञ से इलाज करवाया गया। करीब 35 मिनट मनोरोग चिकित्सक के पास जांच के बाद 2.5 महीने की गर्भवती अंजलि को गायनोलॉजिस्ट के पास लेकर जाया गया। जेल से आए बताया कि अंजलि की तबीयत ठीक नहीं है। जेल में 6 दिन बीतते बीतते अंजलि के व्यवहार में काफी बदलाव नजर आ रहा है। जेल में अंजलि बौखलाई सी रहती है, ठीक से खाना भी नहीं खा रही है। सूत्रों के हवाले से पता चला है कि जेल में अंजलि अक्सर पेट में दर्द होने की बात कह रही है, इसी कारण से महिला विशेषज्ञ के पास ले जाया गया था। जेल में 6 दिन बीतने के बाद से ही अंजलि के व्यवहार में काफी चिड़चिड़ापन आ गया है। पुलिस अधिकारियों को डर है कि वह जेल में अपने साथ कुछ बुरा ना कर ले, इसी कारण डॉक्टर के पास लेकर आए हैं। 5 अप्रैल की दोपहर में मां से पैसे लेकर खाने की चीज खरीदने निकला जश अचानक लापता हो गया था। बच्चे के लापता होने के बाद सबसे पहले एक बाबा पर शक जताया गया। गांव में घूम रहे इस बाबा का थैला काफी बड़ा था। सीसीटीवी फुटेज में थैले का फुलाव और बाबा की तेज चाल देखकर सबको उसी पर शक हुआ। इंद्री पुलिस उसी शाम को बाबा को हिरासत में लेकर थाने ले गई और पूछताछ की। दूसरी तरफ बाबा से जश का सुराग नहीं लगने पर परिवार ने करनाल में नेशनल हाईवे पर जाम लगा दिया था। जांच आगे बढ़ी और 9 अप्रैल को जश की चाची अंजलि हत्या के आरोप में गिरफ्तार की गई, जिसे कोर्ट से पहले 3 दिन और इसके बाद 2 दिन का पुलिस रिमांड लिया गया। रिमांड के दौरान अंजलि ने हत्या करने की वारदात को कबूल किया और हत्या के पीछे मंशा व कारणों को हवाला नहीं दिया। बताया कि जश उसके बेड पर खेल रहा था। इस दौरान सीआईडी में हत्या का सीन देखकर जश का मोबाइल चार्जर की तार से गला दबाकर हत्या कर दी। इसके बाद शव को बेड में छिपाया और बाद में चुपके से बेड में डालकर राजेश छत पर रखाई। 5 दिन के रिमांड पर पुलिस के सामने हत्या के कोई कारण सामने नहीं आए। सामने अंजलि को मानसिक रूप से बीमार होना पाया गया।